सुपर बाजार में आज का सुपर शेयर बताइए सुमित। शुक्रिया डिम्पी। कल जो शेयर बताया गया था फिलिप्स कार्बन, वो आज भी तेज है, 2.5% बढ़त है, 52 वीक्स हाई पे शेयर अब कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी दो दिनों के दौरान शेयर में देखने को मिली है। आज जो शेयर है वो है श्रीकलाहस्ती पाइप। इस कंपनी की सबसे यूनिक चीज जो है डिम्पी वो है इस कंपनी का वैल्यूएशन। आप देखिए अभी भी नए हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है, महज 6 के मल्टीपल पे ये शेयर है, जबकि पूरा सेक्टर 30 के मल्टीपल पे पहुंच चुका है। तो अभी भी इसमें बहुत वैल्यू बाकी दिखाई पड़ रही है। कंपनी पाइप कारोबार के अंदर है, डक्टाइल पाइप बेसिकली कंपनी केटर करती है, स्टील और कुछ और पाइप के कारोबार के अंदर भी है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कंपनी को मिलते रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी ऑर्डर बुक भी है कंपनी की। Q4 के नंबर कंसिस्टेंट है, अगर आप देखिए पिछले रादर 10 तिमाही से कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि पिछले अगर आप 30 महीने से देखें तो कंपनी के नंबर्स स्टेबल हैं और लगातार कंपनी अपने नंबर्स को उसी रेंज के अंदर ही रख रही है। और कंपनी में डेट फ्री स्टेटस है, डेट नहीं है, इसलिए मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी और ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब करीब 24% की ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि सेक्टर में सबसे मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन से कामकाज कर रही है और ये अनुमान है Q4 में ये 2% और बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं इस तिमाही के लिए। तो एक अच्छे नंबर आ सकते हैं। 12 मई को कंपनी के नतीजे करीब करीब 46 रुपये के आसपास ही कंपनी पास कैश EPS है, एक स्ट्रांग कैश फ्लोज है, प्रमोटर 60% हिस्सा रखते हैं, लगातार डिविडेंड पे ऑफ का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और वैल्यू वाइज जैसी बात भी हो रही थी कि FY19 के लिए अनुमानित EPS करीब 58 रुपये है और 6 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है। खरीदारी की राय यहाँ पर दी जा रही है करीब 400 रुपये के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया सुमित आपका। तो आज का सुपर शेयर है श्री कलाहस्ती पाइप, करीब 11 रुपये ऊपर है, 380 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया सुनील आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यू शेयर करने के लिए। वह पूरे फ्यूचर ग्रुप को देखिए, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइज और फ्यूचर रिटेल, तीनों ही स्टॉक्स विद वॉल्यूम्स चल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग गेंस के साथ अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेस करीब 2.5% ऊपर है, फ्यूचर रिटेल में अच्छा खासा स्पॉट है, स्टॉक करीब 23 रुपये ऊपर यानी 7% का मूव दे रहा है और सेम रिफ्लेक्शन फ्यूचर कंज्यूमर में भी है। इन तीनों ही स्टॉक्स में से मानस फ्यूचर रिटेल पर आपने कॉमेंट्स किया, यहाँ पर नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देख सबसे अच्छा इस ग्रुप में तो डेफिनेटली फ्यूचर रिटेल ही लग रहा है और जिस तरह हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, उम्मीद करिए कि 390-395 के लेवल भी जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहे, अब समय आ गया है कि अपने स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें और स्टॉप लॉस रिवाइज करके 348 के लेवल्स पर रखें, वो बेहतर रहेगा क्योंकि जिस तरह की रैली हमने देखी है और अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो करेक्शन भी डीप हो सकता है, इसलिए 348 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहें, 390-395 के टारगेट सेट करें। ठीक है, मेरे साथ देवेंद्र चौकसे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र शुक्रिया, आप हमेशा एक ऐसे लेवल के साथ जुड़ते हैं जिससे बाजार में जाता है ज़्यादा डर होता है या ज़्यादा खुशी होती है, ये ज़्यादा खुशी ज़्यादा डर में बदलने वाली तो नहीं है ना, ये और बढ़ने वाली है ना, हमको भी हंसना है ना, 9600 तक हंसना है। गुड मॉर्निंग। वेल आई थिंक यू 9600 तक आप लिमिट रख रहे हो मार्केट की, आई थिंक मार्केट की लिमिट आई थिंक आपको रखनी नहीं चाहिए क्योंकि ये मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चरल अपसाइड के ऊपर जा रहा है कि जहाँ पे मेरा ऐसा एक अनुमान है कि आई थिंक इंडेक्स लेवल की जगह पे आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर काफी हद तक एक्शन रहेगा। इंडेक्स शायद 9600 का लेवल आ सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, मे बी आई थिंक इट मे टेक 6 मंथ, इट मे टेक 9 मंथ्स, इट मे टेक इवन 12 मंथ्स, यू नेवर नो। बट आई थिंक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर है और मैं जहाँ तक समझता हूँ आई थिंक इंडिया की कॉरपोरेट हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा समय आ रहा है कि जहाँ पे कॉरपोरेट अर्निंग ग्रोथ 20% प्लस रेट ऑफ ग्रोथ से आगे बढ़ने की जगह पे जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वी आर लाइकली टू सी अ क्यूमुलेटिव ग्रोथ ऑफ 20% आई थिंक ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, आई थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर सीइंग करंटली। सो आई वुड रादर थिंक मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स विदाउट लुकिंग एट आई थिंक पुटिंग द लेवल्स ऑन द इंडेक्स। जी आपने देवेन कॉर्पोरेट अर्निंग की बात की और अब तक की जो अर्निंग सीजन रहा है उसमें एक पॉकेट जिसकी परफॉर्मेंस अभी देखनी बाकी है वो है सरकारी बैंक, लेकिन एक फैक्ट ये है कि ये पॉकेट पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। और दूसरी वजह यह है कि कल जो खबर आई है कैबिनेट की ओर से ऑर्डिनेंस लाने की जो बात हो रही है एनपीए पॉलिसी को लेकर, उसने एक एडिशनल स्विंग इन स्टॉक्स को आज के सेशन में दिया है। अर्निंग्स को एक तरफ रख देते हैं, मौजूदा माहौल जो है जो वाइब्रेंसी इन स्टॉक्स में बनी हुई है उसको देखते हुए क्या ये स्टॉक्स इमीडिएटली पोर्टफोलियो में ऐड कर लेने चाहिए? मैंने लास्ट 2 क्वार्टर से आई थिंक ये चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो प्रभाव है बैंक के अंदर वो काफ़ी हद तक कम होते जा रहा है और
बैंक के लिए आई थिंक अच्छे समय की एक शुरुआत इसलिए भी हो चुकी है कि एक तो सरकार ने जो ये आरबीआई को एक ऑटोनॉमी दी है टू डिसाइड दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिलेटेड इश्यूज फॉर द बैंक्स, तो एक बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटाइज रिसिप्ट का जो बजट के अंदर उन्होंने एक सुझाव रखा था और फाइनेंस बिल में पास हुआ है, तो वो मैं समझता हूँ कि आई थिंक गेम चेंजर बनना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटाइज रिसिप्ट से जो बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यहाँ से ट्रेडेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बैंक की बैलेंस शीट में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस यहाँ से कम होते दिख रहा है हमें। और मुझे ऐसा एक अनुमान भी है और एक आई थिंक कॉन्फिडेंस भी है कि जो हिसाब से आगे के समय के अंदर जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी हद तक जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो सम ऑफ द लार्ज बैंक्स विल बी सेटिस्फाइंग दोज रिक्वायरमेंट्स। सो आई थिंक वी आर सिलेक्टिवली कॉन्फिडेंट अबाउट सम ऑफ द पीएसयू बैंक्स, जो लार्ज पीएसयू बैंक्स हैं उनके ऊपर हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ये समय के अंदर। अच्छा दिव्यन, 2017 के ऑलमोस्ट मिड में आ गए हैं, 2019 के अंदर चुनाव हैं जिसकी प्रोसेस अमित शाह ने तो शुरू कर दी है, वो देश भर में घूमेंगे, कल अखबार में पढ़ रहे थे शायद पता नहीं कितने लाख किलोमीटर वो ट्रैवल करेंगे, हमें तो उनके साथ घूमना नहीं है, हमको शेयर्स देखने हैं। ये मैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 2019 तक जब हमको जाना है, इस बीच जो डेढ़ डेढ़ साल का गैप है, इस डेढ़ साल के लिए कोई पोजीशन या कोई सेक्टर को प्ले करना चाहता हूँ, ये डेढ़ साल के लिए सेक्टर या शेयर कौन सा है? वेल आई थिंक आपने जो मुद्दा लिया उसके अंदर एक चीज में ज्यादा ऐड करना चाहता हूँ कि जनरली लास्ट टू इयर्स जो रहते हैं 5 साल में से उसके अंदर गवर्नमेंट काफी हद तक कॉन्सेंट्रेट करती है कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने अगले 3 सालों में अनाउंस किए हैं वो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, बिकॉज ज्यादातर जनरल पब्लिक या सेंटिमेंट्स का जो हम ध्यान देते हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से लोगों का विश्वास बढ़ता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने पहले 3 साल में जो हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स का एक दौरा रखा है, एक आर्टिकुलेशन किया है, उसके हिसाब से देखें तो अगले 2 साल के अंदर काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एक्सेलरेट होने चाहिए और आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस हमें ज़्यादा है। इफ दिस एक्सेलरेशन प्रोसेस इंक्रीजेस, इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देन इन सच सिचुएशन मनी विल कम इन हैंड्स ऑफ पीपल एंड दैट विल द फील गुड फैक्टर पॉसिबल। सो पोलिटिकली दैट वुड बी अ करेक्ट टाइम एंड द वे ऑफ वर्किंग। कॉरपोरेट के लिए भी मेरे ख्याल से समय अच्छा रहना चाहिए। कंपनीज जो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ध्यान दे रही है कैपिटल गुड सेगमेंट के अंदर, कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है उनको इन्वेस्ट आईटी और आरईआईटीज का एक बेनिफिट मिल रहा है, कंपनीज जिसके अंदर ज़्यादातर एक कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ की पोटेंशियल है जैसे ऑटो कंपनीज है, कमोडिटी कंपनीज है, तो ये सब के अंदर मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी अगले समय के अंदर अच्छी मिलनी चाहिए। जी देवेन, एक नोट मैं आपका पढ़ रही थी, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर काफी बुलिश हैं और आपने कहा है कि अगले 2 साल में 100% तक का अप्रिसिएशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ सकता है। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आप अग्री करते हैं इस बात से या फिर नहीं, और दूसरा ये अगर ऐसा आपकी सोच है तो 2 साल का समय कोई बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, अगर 100% अप्रिसिएशन मिले तो कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो ड्राइव करेंगे स्टॉक को? एक्चुअली आई थिंक हमें कॉन्फिडेंस इन रिलायंस के ऊपर ज्यादा इसलिए भी है कि एक तरफ उनके कोर बिजनेस को देखते हैं, तो कोर बिजनेस के अंदर रिफाइनिंग की कैपेसिटी ऑलरेडी 100 मिलियन टन हो चुकी है, दूसरी तरफ रिफाइनिंग के अंदर जो फीड स्टॉक का जो चेंज इन प्रोसेस था वो प्रोसेस अभी कंप्लीट हो रहा है एंड आई थिंक कमर्शियल प्रोडक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आई थिंक ऐसा मानना है कि एक तरफ कैपेसिटी बढ़ना, दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना, आई थिंक रिफाइनिंग मार्जिन्स के लिए बहुत अच्छा समय होना चाहिए रिलायंस के लिए। और एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखें कि ये 1/3 कैपेसिटी बढ़ रही है उसके साथ में 2/3 कैपेसिटी में मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, सो ऑब्वियसली आई थिंक द कंपनीज अर्निंग परफॉर्मेंस वुड बी फार मोर सुपीरियर इन कमिंग पीरियड फ्रॉम द कोर बिजनेस अलोन। पेट्रोकेमिकल एंड द पॉलीमर बिजनेस के अंदर ऑलरेडी कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपांड करके रेटेड कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं, तो ये समय भी उनके लिए अच्छा रहेगा। सो कोर बिजनेस की तरफ ध्यान दे तो आई थिंक कोर बिजनेस इज राइट नाउ अवेलेबल है 10 times प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर मिल रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट का वैल्यूएशन से ये वैल्यूएशन चीप है, तो एक ऊपर आने की जगह यहाँ पे रहती है। दूसरी तरफ जियो का कारोबार देखें और रिटेल का कारोबार देखें तो ये दोनों कारोबार के अंदर मेरे ख्याल से करीबन 550 से 650 रुपये के बीच में एक वैल्यू बनने की जगह है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस के अंदर, वो अभी तक यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है।
तो आई थिंक ओवरऑल जियो की क्षमता ऐसी समझते हैं हम कि ये कंपनी करीबन 1 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ का रेवेन्यू बुक आई थिंक अगले 2 साल के अंदर ये कंपनी अचीव कर सकती है. एंड इफ दैट इज अ सिचुएशन देन इट विल प्रोड्यूस प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ व्हाट रिलायंस इज कोर प्रॉफिट इज राइट नाउ. ऑन 3400 करोड़ इक्विटी आई थिंक द स्टॉक विल प्रॉबेबली गिव ड्यू जस्टिस टू द स्टॉक प्राइस इन मार्केट. सो आई वुड रादर रिमेन कॉन्फिडेंट ऑन दैट एस्पेक्ट. ठीक है आशीष, एक दो शेयर आपने और देखे हैं जिसपे कुछ प्लस पोजीशन ली जाए. एक शेयर मैं वैसे आपके सामने रख रहा हूँ, वो है बैंकिंग स्पेस से देना बैंक के. ये आपको ठीक लग रहा है? अगर ये ठीक नहीं लग रहा तो कोई एक शेयर आप और देना चाहें जो आपको अभी बाजार खुलने के बाद ये करीब आधा पौना घंटा जो हो चुका है इसके बाद अब आपको लग रहा है कि कहाँ यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है अभी? देखिए देना बैंक में बिल्कुल पोजीशन ली जा सकती है पर ये थोड़ा शॉर्ट टर्म डिलीवरी के हिसाब से होगा. इसके अंदर में 53-54 तक के टारगेट्स जो है एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. और अगर से एफएनडो स्पेस में ही पीएसयू बैंक में करना तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ इंदिरा बैंक मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ में नजर आता है. इसके अलावा दो स्टॉक जो मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं कैश सेगमेंट में, एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल जहाँ मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा बेस बन चुका है और स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ऑल टाइम हाई के जोन में जा रहा है. तो यहाँ पे 450 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कोरोमंडल इंटरनेशनल के अंदर देखने को मिल सकते हैं.